हेलो एवरीवन, आई एम प्रिंस पवार, योर कमर्शियल प्रॉपर्टी एडवाइजर। और आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्यों साइबर सम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्यों हमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो हम कुछ यूएसपी की बात करते हैं, जिसमें आपका सबसे पहली यूएसपी है जो सेक्टर 140 है, उसके जस्ट सामने सेक्टर 137 पूरा रेजिडेंशियल सेक्टर है, जिसमें लगभग 12 से 13 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है और फुल्ली ऑक्यूपाइड प्रोजेक्ट हैं। हम बात करते हैं मेट्रो कनेक्टिविटी की, तो सेक्टर 142 और 137 का जो मेट्रो स्टेशन है वो विद इन 1 किलोमीटर है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अब हम बात करते हैं जो आईटी सेक्टर है, लगभग अगर मैं प्रोजेक्ट से बात करूं 5 किलोमीटर की रेडियस की, तो लगभग 25 MNC कंपनियां ऑलरेडी यहाँ पे वर्किंग है, जिसमें आपका KPMG है, सैमसंग है, HCL है, एडोबी है, एसेंचर है। जस्ट सामने रोड क्रॉस पर के सेक्टर 135 जो मेट लाइफ है, उसका पूरा कैंपस है, जहाँ पे लगभग 10 से 15 MNC कंपनियाँ काम करती है। अब हम बात करते हैं जो अपकमिंग जेवर एयरपोर्ट की, जिसकी कनेक्टिविटी यहाँ से ओनली 30 मिनट्स है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप नीचे जी कॉन्टैक्ट पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।